नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के मित्र रूस ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है और भारत के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार चाइना को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी तो यह जानते होंगे कि वर्तमान समय में चीन और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका जब पास आ रहे हैं तो रूस और चीन भी अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं और चीन को खुश करने के लिए रशिया ने भारत के खिलाफ चाइना को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है जिसका नाम है यूरन-9 टैंक। दोस्तों, इस टैंक के बारे में बात करें तो यह दुनिया का पहला रोबोट टैंक है और रूस खुद इसका इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा यह टैंक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें किसी भी सैनिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह टैंक एक रोबोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है और यह अपने टारगेट को खुद ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, यह टैंक इतना खतरनाक है क्योंकि इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगी हुई है जिसे यह खुद ब खुद टैंक को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर कर सकता है। तो दोस्तों, यह आप समझ ही सकते हैं कि एलएसी पे यदि चीन इस टैंक को तैनात करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगा क्योंकि भारत के जो टैंक हैं वो सैनिक चलाएंगे और इसे चीन रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाएगा। और दोस्तों, एक और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है रशिया से। दरअसल रशिया के उप प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत उनके एडवांस फाइटर जेट सुखोई 75 का सबसे बड़ा ग्राहक बनेगा और 100 की संख्या में सुखोई 75 को खरीदेगा रूस से। तो दोस्तों, आप सभी इससे समझ ही सकते हैं कि रशिया का सिर्फ एक ही मोटिव है, अपने हथियारों का व्यापार करना, चाहे वह चीन को करे या फिर भारत को करे। कभी रूस भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी दे देता है तो कुछ समय पश्चात वही टेक्नोलॉजी चीन को भी शेयर कर देता है। इसके अलावा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जब चीन को ट्रांसफर करता है तो कुछ समय पश्चात वह भारत को देता है। तो इन सब से एक ही बात समझ में आती है कि रशिया का सिर्फ एक ही मोटिव है, अपने हथियारों का व्यापार करना, चाहे चीन को दो या फिर भारत को दो। यदि एक देश को दे देते हैं तो दूसरा देश ऑटोमेटिक उस हथियार को खरीद ही लेगा। बाकी आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या भारत को रूस से SU-75 खरीदना चाहिए या फिर भारत को अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान अमका पर ध्यान लगाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।